नारी सशक्तिकरण की मिसाल बिहार के भोजपुर जिले के खेसरिया गांव में देखी जा सकती है। ये महिलाएं लगातार अपने हुनर के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ साथ कृषि और अन्य उद्यमों की धुरी बनी हुई हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक है विद्या रानी। विद्या ने सरकार की कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत कृषि बैंक की स्थापना कर खेती में लागत को जहां कम किया है वहीं उत्पादन बढ़ाया है। वहीं अन्य महिला कृषकों को भी सस्ती दर पर यंत्र उपलब्ध करा रही हैं, जिससे गांव की तस्वीर ही बदल गई है। कस्टम हायरिंग के तहत हम महिला ग्रुप को बहुत सारे यंत्र मिले हैं, जिससे हम लोगों को खेती के काम करने में बहुत ही सहूलियत हो रही है। कम समय में हम लोग अपनी खेती भी कर ले रहे हैं और उस यंत्र को दूसरों को देकर कुछ पैसा भी अर्जित कर रहे हैं, जिससे हमारा जो मेंटेनेंस है वो हो जा रहा है। और हमारी हम लोग जो देर से काम करते थे वो मेरे जल्दी हो जा रहा है और समय पे हमारी जो खेती है वो समय पे हो जा रही है। पहले हम लोग दूसरे पर डिपेंड थे, दूसरा कोई से हम लोग मांगते थे तो खेती करने में भी देरी हो जाती थी और समय से खेती करने से जो हम लोग का अनाज भी है वो दुगना हो रहा है और जल्दी भी हो जा रहा है। पहले हम लोग आत्मा से ही जुड़े और जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं वो आत्मा के द्वारा ही कर रहे हैं। ये कंबाइंड हार्वेस्टर जो है इसमें SMS लगा हुआ है और इसमें है कि इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, तो उससे होता है कि अगर जिसको बोना होता वो अब ऐसे ही बो देते हैं और जिनको पुआल की ज़रूरत है गाय खाने के लिए या मशरूम के लिए वो लोग अपना जमा करके उसको लाते हैं, हम लोग भी लाते हैं और उसी से हम लोग जो वेस्ट पुआल है उस पर हम लोग अपना खेती बना रहे हैं, मशरूम बना रहे हैं, गाय को भी खिला रहे हैं। इन महिलाओं को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है जिले में अवस्थित कृषि विभाग एवं आत्मा भोजपुर ने। आत्मा भोजपुर द्वारा तकनीकी ज्ञान का प्रावधान है। हमारे यहाँ परिभ्रमण और प्रशिक्षण के मद से किसानों को यहाँ पे परिभ्रमण कराया जाता है, उनके प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक किसान यहाँ पे लाभुक हो। खेती केवल जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही बल्कि रोजगार का साधन बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। किसानों की आय दुगुनी हो, सशक्त बने, इस और कृषि विभाग एवं आत्मा भोजपुर द्वारा प्रयासरत जारी है। वीरपुर सिंह की धरती पर भोजपुर जिला में किसान बहुत ही कार्यशील किसान है यहाँ, और हमारे जिला कृषि कार्यालय के तहत संचालित आत्मा विभाग जो है वो भी एक्टिव है। उनके द्वारा विभिन्न योजनाओं जो संचालित की जा रही है उसके संबंध में विस्तृत रूप से इन लोगों की टीम के द्वारा, चाहे TM हो, BTM हो, PD हो, हमारे कोऑर्डिनेटर हो, सभी के सहयोग से सभी योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण कार्यान्वयन कराने के लिए तत्पर रहते हैं। किसान को उन्नत खेती के बारे में कैसे खेती करने से ज़्यादा लाभ मिले और कम से कम लागत किसानों को हो, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह की योजना से किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा।